शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अभी तो मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ, यदि मैं तनिक भी क्रोधित हुआ तो स्वयं श्री कृष्ण भी इस ब्रज मंडल के विनाश को नहीं रोक पाएंगे। अग्निदेव, मुझे तो कुछ उचित नहीं लग रहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भले ही अभी शांत हैं, परंतु उनकी लीला में शेष अवतार बलराम भी उनके सहभागी हैं, और राम अवतार काल से ही उनका क्रोध संसार विदित है। गोपियों, ये तो गुलेल का कंकड़ नहीं है, बड़ा पत्थर है। वही तो बलराम, पहले कान्हा केवल हमारी माथन की मटकी तोड़ता था, पर अब वो हमारी जल की गदरी भी तोड़ने लगा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तुरहर से निकलना ही दूभर हो जाएगा। गोपियों, मैं बलराम हूँ, मैं किसी भी समस्या का समाधान निकालने में कान्हा जितना समय नहीं लगाता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी समस्या का समाधान मैं अवश्य निकाल लूंगा। यदि इसी प्रकार आकाश से पाषाण की वर्षा होती रही तो गैयों का भावत जाना तो दूर, सभी का घर से निकलना भी असंभव हो जाएगा। हाँ मैया, इसलिए समस्या का समाधान हमें शीघ्र अति शीघ्र करना होगा। हाँ कान्हा। कान्हा, तुम स्वयं ही समस्या खड़ी करते हो और फिर स्वयं ही उसके समाधान की बात करते हो। ताऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? कान्हा, गोपियों ने सब कुछ बता दिया है मुझे, उनकी मटकी तोड़ने के लिए तुम ही कर रहे हो ना ये सब। पर दाऊ, जब से ये समस्या आरंभ हुई है मैं घर पर ही था। आप मैया, पुष्पा काकी, सुंदर काका से पूछ लीजिए। हाँ बलराम, कान्हा सत्य कह रहा है, वो घर पर ही था। और देखिए दाऊ, पत्थर केवल गोपियों की मटकियों पर ही नहीं गिरे, अभी तो यहाँ भी हुई है पाषाण वर्षा। कुश वर्षा, अग्नि वर्षा, भस्म वर्षा का नाम तो सुना है काना, ये पाषाण वर्षा, इसका नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ काना। दाऊ, लगता है महाराज कल से कुछ नहीं हुआ तो किसी पत्रासुर को भेज दिया उन्होंने ब्रज मंडल पर संकट बनने के लिए। काना, फिर इस पत्रासुर को मेरे मुद्गल देवी उत्तर देंगे। अंतिम विकल्प वही है, पहले पता तो ये लगाना होगा कि ये कर कौन रहा है, ये पत्रासुर है या कोई और। गोवर्धन पर्वत, एक ब्रज मंडल की एक एक उंगल भूमि को अपने पत्थरों से भर दूंगा। मेरे क्रोध के भागी सभी होंगे, मुझे मिले श्राप का दंड हर एक ब्रजवासी को भुगतना होगा, क्योंकि युगों से सभी मेरा उपभोग करते आ रहे हैं, परंतु किसी ने मेरी सुध नहीं ली। शापित होने के कारण क्षण क्षण समाप्त हो रहा हूं मैं, तिल तिल का अस्तित्व मिट रहा है गोवर्धन पर्वत का, और अकेले नहीं मिटूंगा मैं। इससे पहले कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो, इस संपूर्ण ब्रजमंडल का विनाश कर दूंगा मैं, इसे मिट्टी में मिला दूंगा। वाह!
ऋषिवर, पूरे ब्रज मंडल में ये समस्या बढ़ती जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये पाषाण वर्षा आते कहां से है, कौन है इसके पीछे, कौन इन पाषाणों की वर्षा कर रहा है। भागो, ये पाषाण वर्षा तो रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऋषियों, संपूर्ण ब्रज मंडल भयभीत हो चुका था कि लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया, और यदि कोई विशेष कार्य से कोई घर से बाहर निकलता तो उसी समय वहां पाषाण वर्षा होने लगती। जब तक ये पाषाण वर्षा नहीं रुकती हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कहीं आ जा भी नहीं सकते। प्रभु, पर इस घटना के पीछे था कौन, कौन कर रहा था ये पाषाण वर्षा? ऋषिवर, इस समय आप सबके मन में जो प्रश्न है वही प्रश्न उस समय सभी ग्वाल बालों के मन में था, और सभी मिलकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे। काना, ऐसा प्रथम बार हो रहा है कि कोई असुर पाषाण वर्षा कर रहा है और हम उसका पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। वही तो दाऊ, जब तक हम इस समस्या के कारण का पता नहीं लगेगा हम उसका निवारण कैसे करेंगे, इसलिए हमें उस असुर को ढूंढना ही होगा। पर काना, उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, क्योंकि वन का हर एक कोना देख लिया मैंने, हर कंदरा की पड़ताल कर ली मैंने, पर वो असुर कहीं नहीं मिला। काना, पहले तो कोई भी असुर आता था तो अपने संकट के साथ ही अपने आने की घोषणा कर देता था, फिर वो कैसा असुर है जो छुपकर संकट ला रहा है? लगता है कोई बुद्धिमान असुर है, तभी मेरे भय से छुप रहा है वो। दाऊ, असुरों के पास सब कुछ होता है पर बुद्धि तनिक भी नहीं होती। और दाऊ, आपने एक बात पर ध्यान दिया, इतनी पाषाण की वर्षा हुई पर आज तक किसी को चोट नहीं लगी। इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया काना, पर इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका तो एक ही अर्थ है कि ये जो कोई भी कर रहा है कोई असुर नहीं है, वो किसी का हित नहीं करना चाहता, बस हमें कोई संकेत देना चाहता है। यदि वो कोई असुर नहीं है तो उसे संकेत करने की क्या आवश्यकता है, जो कहना है स्पष्ट कहे। कुछ स्पष्ट तो नहीं हो रहा दाऊ, नहीं तो इस समस्या का समाधान कब का हो गया होता। गोपाल, राधा के बिना आज तक तुमसे कोई समस्या सुलझी है जो ये सुलझ जाएगी? लो, एक समस्या समाप्त नहीं हुई और दूसरी आ गई। गोपाल, हम समस्या नहीं समाधान लेकर आए हैं तुम्हारे पास, अर्थात ये कि तुमने अपने सखाओं को भेजा था उस असुर का पता लगाने। दाऊ को भेजा पर कोई भी उसका पता नहीं लगा पाया। राधा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने उस असुर के विषय में सब कुछ पता लगा लिया हो। असुर के तो विषय में नहीं, पर हमने ये अवश्य पता लगा लिया है ये पाषाण आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। गोपाल, ध्यान से देखो, कुछ ज्ञात हुआ? बोलो गोपाल, कुछ आ रहा है स्मरण? इसमें स्मरण आने वाली कौन सी बात है गोपी, ये दोनों पत्थर एक जैसे तो दिख रहे हैं, और जितने भी पाषाण की वर्षा हुई सब इन्हीं जैसे दिखते हैं, फिर इसमें नई बात क्या है? वही तो हम कहना चाह रहे हैं गोपाल, ये वो पाषाण नहीं है जो पाषाण वर्षा में आए थे, अपितु जो हम लेकर आए हैं पाषाण वो गोवर्धन पर्वत के पाषाण है। गोवर्धन पर्वत? दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।